स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि सभी लोग जानना चाह रहे थे और सभी लोगों का ही सवाल था कि सर लास्ट टाइम है, एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम आने से पहले की क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं, कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें, कैसे तैयारी करनी है। तो देखो, पेपर के बारे में मैंने ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो हमारा पेपर होता है उस पेपर का जो पैटर्न है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। पेपर का जो पैटर्न है वो मैंने डिस्कस किया था कि दो पार्ट होते हैं हमारे पेपर के, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए और पार्ट बी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी मैं फाइनली अगर मैं देखता हूँ पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को डिस्कस करूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पेपर है अभी वो 1 मार्च को है। पेपर कब है? 1 मार्च को। और ये जो वीडियो मिलने वाला आपको ये 12 फेब को मिल जाएगा आपको। तो यानी कि अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास कितना टाइम होगा एग्जाम में, कि मैं एग्जाम टाइम पे कितने समय में मैं वापस से रिवीजन कर सकता हूँ, या मैं सारे सब्जेक्ट में ऑलरेडी रिवाइज करके बैठा हूँ, तो अब मेरे को क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो इस सब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 15 दिन अगर आपके पास हैं, ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ लिया है या फिर नहीं पढ़ा है और इन 15 दिनों में आपको रिवीजन करना है, तो कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि पार्ट ए 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे 100 आपके। पार्ट बी आपका जो होगा वो आपका होगा टेक्निकल पार्ट, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट होगा, अगर आप सिविल के तो सिविल का पार्ट होगा। 120 मिनट आपके पास होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो गेट के आपके सब्जेक्ट होते हैं एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट होंगे। एप्टीट्यूड भी जो है वो आपका गेट का जो सिलेबस है एग्जैक्टली गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एप्टीट्यूड होता है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या होता है कि जो वर्बल रीजनिंग है वो वर्बल रीजनिंग का इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पता नहीं होता है लोगों को, और वहां जाते हैं तब पता चलता है कि वर्बल रीजनिंग भी आ रही है क्या पेपर में। तो ये ध्यान रखना, वर्बल रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरी रीजनिंग पढ़ के जानी है, क्लॉक के कैलेंडर के आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो नहीं करने हैं, ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन करने, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वर्बल रीजनिंग में वो पैराग्राफ के आते हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ आपको दे देंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पेपर में, और फिर भी बच्चे बार बार मेरे से कमेंट करके पूछ रहे कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, है या नहीं है। मैंने फिर पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। अब बात कर लेते हैं टाइम की, कि आपके पास कितना टाइम है और कैसे आप रिविजन कर सकते हैं। तो देखो, जैसा मैंने बताया था कि आपका पेपर जो है वो है 1 मार्च को, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी पढ़ाई 12 फरवरी से और 26 फरवरी तक होगी, ठीक है ना। क्योंकि 26 फरवरी के बाद में आपके पास 27, 28 और 29 3 दिन होते हैं। 29 को आपको ट्रेवल करना होगा, क्योंकि 29 के बाद में सीधा 1 मार्च आती है जिसको आपका पेपर है। तो आपके पास में 27 और 28 2 दिन वो होंगे जिनमें आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है ना। जितना भी आपने पढ़ा है उस पूरे को रिवीजन करना होगा, तो 2 दिन में आपके लिए एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास 12 फेब से लेकर 26 फेब तक कितने 15 डेज हैं। अब 15 डेज में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, देखो समझ लो। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है 12 फेब से लेकर 26 फेब तक। 12 फेब को देखो कैसे पढ़ाई करनी है, आपको 2 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, मतलब कि 3 घंटे तो आपको देने हैं एप्टीट्यूड को और 5 घंटे आपको देने हैं किसको, टेक्निकल पोर्शन को। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो 100 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर टेक्निकल पोर्शन 100 मार्क्स का है तो नॉन टेक्निकल भी 100 मार्क्स का है, तो दोनों को आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्निकल पढ़ रहे हैं, नॉन टेक को आपने छोड़ दिया, तो आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 100 ही आ सकते हैं। और आपकी जो जनरली अगर आप सेफ स्कोर चाहते हैं तो आपके 130+ स्कोर अगर आता है आपके पेपर में 200 में से, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, अगर 130+ आपके मार्क्स हैं। तो आपको क्या करना है कि 3 घंटे आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, पर डे आपको एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट डे आपने चूज किया कि मैं आरसीसी आज पढ़ने वाला हूं, और आरसीसी के साथ में मैं एप्टीट्यूड का कोई एक टॉपिक पढ़ने वाला हूं, तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, आरसीसी की पूरी थ्योरी पढ़िए, पूरा उस एप्टीट्यूड को पढ़िए, और एप्टीट्यूड के बाद में उसके उस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड के टॉपिक के लगभग 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप नहीं है आपके पास में टाइम, तो एट लीस्ट 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे उस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड को चैप्टर के जो आपने पढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं आरसीसी की, आरसीसी पूरी कैसे पढ़ सकता हूं मैं, 5 घंटे का टाइम, इस 5 घंटे में मुझे आरसीसी पढ़नी है तो कैसे पढ़ सकता हूं। तो बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है, कि आपकी मेडीजी की जो हैंडबुक है उस मेडीजी की हैंडबुक को पढ़िए, आराम से आप
से लेके 4 घंटे में इस बुक को आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। मेडी जी के एक सब्जेक्ट को आप 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं मेडी जी की हैंडबुक, क्योंकि आपको पता है हैंडबुक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें बहुत ही कम पेजेस में शॉर्ट नोट होते हैं, तो उन शॉर्ट नोट को आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं 3-4 घंटे में। अब आपके पास में मान लीजिए आपने 3 घंटे में रिवाइज किया, तो आपके पास में 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, तो 2 घंटे में 100 to 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट की। तो आरसीसी के आपको 100 से लेके 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा, और आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो फिर आपको यहाँ क्या करना होगा, इस 5 घंटे को बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 8 घंटे करना पड़ेगा। इस 3 घंटे को पढ़ा के कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 घंटे करना पड़ेगा। तो मतलब लगभग 13 आवर आपको स्टडी करनी होगा अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो, ठीक है ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या होता है कि जब आप हैंडबुक पढ़ रहे होंगे और हैंडबुक के साथ में कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो मुझे 100 to 200 क्वेश्चन करने हैं, ये कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो बेस्ट तरीका आपके पास क्या है कि आप लास्ट ईयर के ईएस के क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। ईएस का पेपर लें, उस क्वेश्चन को सोल्व करें, ईएस के पुराने पेपर को क्वेश्चन सोल्व करें। ईएस के साथ में आप चाहें तो एसएससी के भी कर सकते हैं और गेट के भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको देनी ईएस की, क्योंकि ईएस के कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में ना, ईएस से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो आपको ईएस के कुछ क्वेश्चन करने हैं, साथ में थ्योरी पढ़नी है, और वो थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, मेडिजी की हैंडबुक से। तो ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। तो 10 दिन में क्या होगा, मोस्टली अपने पास क्या है 10 से 12 मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके 10-12 दिन में आपके सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और मैंने 15 दिन का शेड्यूल बताया है, तो आपके पास में 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे और 2 दिन आपके रिवीजन के। तो इन 3 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने, ईएस के पुराने क्वेश्चंस करने, और टाइम होता है तो एसएससी के भी करने, ठीक है। तो इन 3 दिन में फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, और लास्ट के फिर ये 2 दिन बचेंगे, इसमें आपको क्या करना है, वापस से थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है ना। वापस से थ्योरी रिवाइज करनी है, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स, या फिर आपको मेडिजी की हैंडबुक है उसको आपको रटना है, ठीक है। अब बात करते हैं, बच्चे पूछते रहते सर वो टॉपिक बताओ या वो सब्जेक्ट बताओ सिविल में जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बीएमसी, जियोटेक, एनवायरमेंट, सर्वे, आरसीसी, ये वो सब्जेक्ट है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बेटा कि आप सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, बाकी सब्जेक्ट पढ़ के ही ना जाओ। तो मेरा ये मानना है बेस्ट ऑप्शन पता क्या है कि आप हैंडबुक पढ़ो, मेडी जी की हैंडबुक पढ़ो, और हैंडबुक में से मैं आप जब पेपर देके आओगे तो आप खुद देखना हैंडबुक में से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। हैंडबुक बहुत ही अच्छी है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ में आप ईएस और एसएससी गेट वगैरह के पुराने क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर मैं बोलूँ तो यही है कि आप थ्योरी पढ़िए, मेडिजी हैंडबुक को पढ़िए बहुत बढ़िया तरीके से, साथ में पुराने क्वेश्चंस करके जाइए, ठीक है। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक में डाउट है, आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत हार्ड लग रहा है या इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।